सड़क पर चलती हुई गाड़ी ईंधन खत्म होने के बाद रुक जाती है और जैसे ही ईंधन दोबारा डाला जाता है वे फिर से सड़कों पर दौड़ने लगती है। तो ईंधन में ऐसा क्या होता है कि गाड़ी चलने लगती है? जैसा कि पिछले वीडियोस में भी आपने देखा ही है कि जनरेटर के चलने से विद्युत प्राप्त होती है। जनरेटर की यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है जिससे हमें विद्युत मिलती है। सवाल ये है कि जनरेटर को कौन चलाता है? क्या उसमें भी हम ईंधन डालते हैं जिससे जनरेटर की शाफ्ट घूमने लगती है? तो ये कहना ठीक होगा कि ईंधन में कुछ तो ऐसा है जो विद्युत बनाने या गाड़ी चलाने में मदद करता है। दरअसल ईंधन में ऊर्जा होती है जो कि जनरेटर और गाड़ी के इंजन के संपर्क में आते ही अपनी ऊर्जा स्थानांतरण कर देता है। इसका मतलब सारा खेल ऊर्जा का है। बिल्कुल सही, हम संसार में हर तरफ ऊर्जा से घिरे हुए हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं और खाने के बाद हम एकदम ताजा महसूस करते हैं। खाना हमें विभिन्न कार्य जैसे पढ़ाई करने, खेलने और चलने में मदद करता है। तो खाना एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमारी शरीर को शक्ति मिलती है और हम कार्य कर उस ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। तो क्या हम ऊर्जा को बना सकते हैं? जवाब है नहीं, हम ऊर्जा नहीं बना सकते। ये हमेशा हमारे आसपास संसार में रहती है, हम बस इसे उपयोग कर एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ऊर्जा का नियम ये भी कहता है कि ऊर्जा बनाई और मिटाई नहीं जा सकती, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा, जिन्हें इंग्लिश में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। बॉल को स्लाइड के ऊपर तक ले जाने में हमारे द्वारा कुछ कार्य किया गया। कार्य करने के कारण ऊंचाई में अंतर आया और कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। इसे हल्का सा धक्का मिला तो बॉल की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। मान लीजिए सामने रखे लकड़ी के गुच्छे पर ये बॉल जाकर लगी और लकड़ियां बिखर गई। तब बॉल की गतिज ऊर्जा ने कार्य कर लकड़ियों को बिखरा दिया। चेन को समझे तो पता चलेगा कि पहले कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदला, फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और आखिर में गतिज ऊर्जा ने कुछ कार्य किया। यही नियम संसार में उपलब्ध ऊर्जा का भी है जो कि एक नए रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। हम ध्यान से देखें तो चलती हुई साइकिल से लेकर चलती हुई गाड़ी तक, चलती हुई ट्रेन से उड़ते हुए हवाई जहाज तक, या पकते हुए खाने से लेकर भोजन से मिल रही शक्ति तक, सभी ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण हैं। ये ऊर्जा का बदलना दो तरह से मुमकिन है, जिन्हें हम ऊर्जा के स्रोत भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर संसार में दो तरह के ऊर्जा के स्रोत है, पहला पारंपरिक स्रोत और दूसरा गैर पारंपरिक स्रोत। आज की वीडियो में हम पारंपरिक स्रोत के बारे में जानेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें सदियों से हम उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि जीवाश्मी ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स, तापीय विद्युत संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र या हाइड्रो पावर प्लांट, जैव मात्रा या बायोमास और पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी। पहले जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं। आज से हजारों साल पहले दुनिया पर रहने वाले जीव पृथ्वी की परत के नीचे दबते गए। अवसादन की इस प्रक्रिया में कुछ जीव पेट्रोलियम में बदल गए और कुछ कोयले में। भारत में 70% ऊर्जा की खपत कोयले, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही पूरी होती है। कोयला कार्बन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कोयले को जब हवा में जलाया जाता है तब हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन के साथ कार्बन प्रतिकार कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पेट्रोलियम से निकलने वाले अलग अलग अंश जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि विभिन्न तरीकों से उपयोग होते हैं। यही कोयला तापीय विद्युत संयंत्र में विद्युत बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए तापीय विद्युत संयंत्र के कार्य को बराबर से जानते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र विश्व भर में 50% से ज्यादा विद्युत बनाने के लिए उपयोग में आता है। इसमें मोटे तौर पर 5 भाग होते हैं। बॉयलर यानी भट्टी,
टर्बाइन, कंडेंसर यानी संयंत्र, जनरेटर यानी जनित्र और ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामित्र। बॉयलर में कोयला जलकर ट्यूब में बहते पानी को गर्म कर स्टीम में बदलता है। ये स्टीम दबाव पड़ने के कारण टर्बाइन पर गिरती है और टर्बाइन घूमने लगता है। टर्बाइन का एक छोर जनरेटर से जुड़ा रहता है। जनरेटर यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल ट्रांसफॉर्मर के जरिए विनियमित कर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आगे भेज देता है और स्टीम को दोबारा कंडेंस कर पानी में बदल फिर उपयोग किया जाता है। इस माध्यम से विद्युत उत्पन्न करना आसान और सस्ता है क्योंकि पानी और कोयला आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन कोयले के जलने से प्रदूषण बहुत होता है जो इसका एक बहुत बड़ा हानि है। अगला पारंपरिक स्रोत है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में एक बांध या डैम बनाकर बहते पानी को इकट्ठा किया जाता है। ये बांध नदी में बनाया जा सकता है जिसको बनाने से पहले कई सारे प्रशिक्षण होते हैं। बांध में ऊंचाई के अंतर के कारण इकट्ठे पानी में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। फिर एक विशेष क्षेत्र से पानी को नीचे की ओर बहाया जाता है। पानी की स्थितिज ऊर्जा यह गतिज ऊर्जा में बदलती है। ये ऊर्जा नीचे लगे टर्बाइन को घुमाती है जिस टर्बाइन की शाफ्ट आगे लगे जनरेटर से जुड़ी होती है। जनरेटर टर्बाइन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आगे की ओर भेजता है। इस स्रोत के फायदे ये है कि इसमें प्रदूषण नहीं होता, लागत भी कम रहती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हानि ये है कि एक बड़ा क्षेत्र बांध बनने के कारण डूब जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है और साथ ही जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। इनके अलावा एक और तरीका है ऊर्जा प्राप्त करने का, जिसे जैव मात्रा या बायोमास के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में गोबर या कटी फसलों के अवशेष को सुखाकर जलाया जाता है, जिसे ईंधन की तरह उपयोग कर खाना बनाया जाता है। लेकिन इनके जलने से धुआं भी बहुत निकलता है और उतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी पर्याप्त हो। ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े बायोमास प्लांट बनाए जाते हैं। इन प्लांट को बनाने के लिए जमीन में एक गड्ढा बनाया जाता है जिसे डाइजेस्टर या संपाचित्र कहते हैं। प्लांट के मुंह से गोबर फसल के अवशेष को पानी के साथ 1:3 के अनुपात में डाला जाता है और फिर डाइजेस्टर को बंद करके छोड़ दिया जाता है। बंद होने के कारण डाइजेस्टर में अवायवीय ऑक्सीडेशन या एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होती है, जिससे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें निकलती हैं, जिन्हें ईंधन की तरह उपयोग किया जा सकता है। शेष बचा खाद आउटलेट से निकाल कर खेतों में उपयोग किया जा सकता है। आखिरी स्रोत है पवन ऊर्जा। उन क्षेत्र में जहां हवा बहुत तेज चलती है, बड़ी बड़ी पवन चक्की लगाकर पवन ऊर्जा को जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये बात रही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के स्रोत पर प्रकाश डाला। आने वाली वीडियो में हम गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में जानेंगे।